मॉर्निंग फ्रॉम आगरा। आज मैं हूँ आगरा में और मॉर्निंग के अभी हो रहे हैं 9 बज रहे हैं। बहुत धूप निकली हुई है। देखती हूँ आज आपको क्या क्या दिखा पाती हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जगह यहाँ की दिखा पाऊँ। अभी मैं इस तरफ जा रही हूँ, ताजमहल देखने जा रही हूँ। नहीं भैया अभी नहीं, यहाँ आपको हर लोगों से बचते हुए जाना है क्योंकि आपको रास्ते में 10 तो लोग मिल जाएंगे जो आपको गाइड करने से लेके पहुँचाने तक की बात बोलेंगे। अपने हिसाब से जाइए, जैसे आपको सही लगे, किसी के बाद नहीं आना है। सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि फ्राइडे को ताजमहल बंद रहता है, बाकी किसी भी दिन आप आइए, आराम से घूम सकते हैं। फाइनली ताजमहल देखने जा रही हूँ। बहुत मन था देखने का। यहाँ से थोड़ा पैदल जाना पड़ता है या ऐसा छोटा वाला गाड़ी मिलता है। मैं पैदल ही जा रही हूँ फुटपाथ से। ज़्यादा दूर नहीं है, 1 ही किलोमीटर के आसपास है, तो आराम से पैदल आ सकते हैं। नहीं तो आपको ऑटो मिलेगी या ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, इस टाइप की गाड़ियाँ मिलती है ताजमहल तक और यहाँ से आगरा फोर्ट तक। ताजमहल पहुंचने से पहले आपको कुछ दुकानें मिलेगी जहां से आप निशानी के तौर पे कुछ खरीद सकते हैं। काफी सुंदर चीजें हैं वहां पे। अभी चलते हैं ताजमहल में एंट्री करने के लिए। मैं जा रही हूँ ईस्ट गेट की तरफ। यहाँ पे टोटल 4 गेट है। और हाँ, टिकट आपको ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा। अभी कोविड की वजह से ऑफलाइन टिकट नहीं दिया जा रहा है, जो आप यहाँ आके भी आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ आपको अच्छे से सिक्योरिटी चेक की जाएगी ताकि आप कोई भी चीज़ अंदर ना ले जा सके। अगर आपके पास सामान या बैग वगैरह है तो आप वो जो दुकानें थी वहाँ रख सकते हैं। मैंने भी वहीं रखा है। ये जो दोनों साइड में रूम है, यहाँ पर पहले जो ताजमहल बनाने वाले मजदूर थे वो लोग यहाँ रेस्ट करते थे और अभी कुछ साल पहले तक यहाँ दुकानें लगती थी जो अभी सरकार ने बंद करवा दी है। यहाँ ताजमहल के बारे में हिंदी और इंग्लिश में डिटेल में लिख रखा है, आप चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये है शाही दरवाजा जो काफी खूबसूरत है और यहाँ का जो डिजाइन, मतलब जो भी यहाँ पे काम किया गया है, वो भी बहुत खूबसूरत है। महल में मेरे पीछे देख सकते हैं आप। आपको मैं पूरा व्यू दिखाऊंगी लेकिन यहाँ पे आपको आवाज़ क्लियर नहीं आएगा क्योंकि अंडर माइक ट्राइपॉड कुछ भी अलाउ नहीं है। जस्ट मैं आपको दिखा सकती हूँ, व्यू दिखा सकती हूँ और बाकी जो भी है आपको खुद आके देखना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं, शाहजहां ने मुमताज के लिए ये ताजमहल बनाया था जिसे बनने में 22 साल लगे थे, तब जाके इतना खूबसूरत इमारत बन पाया। ये जो फाउंटेन दिख रहे हैं ये तब का ही है, बस अभी ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन से चलते हैं और तब लोग रखे जाते थे जो बड़ा सा चरखा चला के इसे चलाते थे। और आप ये जो खूबसूरत गार्डन देख रहे हैं, ये टोटल 16 गार्डन है और 53 फाउंटेन, मतलब 1653 में ताजमहल बनके कंप्लीट हुआ था, तो उस वजह से ऐसे बनाया गया था। ताजमहल के ऊपर जो मेटल है वो पहले गोल्ड का था जो ब्रिटिश ले गए थे, तो अभी ये पीतल का है। पास से देखने में आपको पता चलेगा कि ये कितना खूबसूरत है।
यहाँ मार्बल के ऊपर जो फ्लावर जैसा काम कर रखा है, ये जेमस्टोन को इसमें लगा के किया गया है। और साथ ही साथ कुरान का फर्स्ट चैप्टर लिखा है अरबिक भाषा में। का एक्स्ट्रा टिकट लेके आप ऊपर जा सकते हैं और जो डुप्लीकेट मकबरा है मुमताज और शाहजहां का वो देख सकते हैं। ओरिजिनल इसी के नीचे है जो सरकार ने वहां जाने का रास्ता अभी बंद कर दिया है। गेस्ट हाउस था शाहजहां का। इसी तरह से ताजमहल के दूसरी तरफ मस्जिद है। अभी आप लोगों को ताजमहल पास से दिखाती हूँ और साथ ही साथ यमुना नदी, हाँ यमुना नदी का व्यू दिखाती हूँ आपको। ये है यमुना रिवर और रिवर के उस साइड है मेहताब बाग। कहा जाता है शाहजहां वहाँ पे एक ब्लैक ताजमहल अपने लिए बनाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना के आगरा फोर्ट पे रख दिया था। साउंड क्वालिटी सही नहीं आएगा मेरा, क्योंकि माइक अलाउ नहीं था तो मैं ला नहीं पाई। बस अब व्यू देखिए, साउंड क्वालिटी का तो क्या ही है। और अभी चलते हैं आगरा फोर्ट की तरफ। आगरा फोर्ट दिखाती हूँ मैं आप लोगों को।